हेलो स्टूडेंट्स, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है ये है ला बैल दाम सौ मर्सी, द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी इसे कह सकते हैं आप, या वो खूबसूरत औरत जिसके पास दया नाम की चीज़ नहीं थी। जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई रचना है ये। जॉन कीट्स रोमांटिक एरा जो होता है, सौंदर्यवाद का जो एक काल था इंग्लिश लिटरेचर में या फिर इंग्लिश साहित्य में, उसके काफ़ी बड़े कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, और इनका जीवन काल था 1795 से 1821 के बीच में। ये कविता आपको 12वीं क्लास का इंग्लिश का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड के लिए, उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है। इस कविता का सार ये है कि एक दिन कवि जो होता है वो एक बहुत ही वीरान, जो विंटर की वीरान जगह होती है, दिन होता है, उसमें एक शूरवीर या सामंत, जो नाइट बोलते हैं जिसे, उससे मिलता है। और वो देखता है कि जो नाइट होता है वो बहुत ही, मतलब, पीलापन होता है उसके चेहरे पे और बहुत ही उदास होता है। उसे पता नहीं, ऐसा लगता है उसे देख के कि जैसे इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तेरी ऐसी हालत क्यों है। तो उसके जवाब में नाइट कहता है कि मुझे एक बहुत ही सुंदर युवती मिली थी और उस सुंदर युवती में बहुत ही गजब का आकर्षण था और वो बहुत अच्छा गाती थी। और उसके बाद उसने मुझसे बहुत वादे किए, उसने कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। उसके बाद हम दोनों एक गुफा में गए जहाँ पे उसकी बातें सुनने के बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया और मैंने सपने में देखा कि बहुत सारे मेरे जैसे ही दूसरे युवक और युवतियाँ और दूसरे, जो क्या कहते हैं, युवराज वगैरह जो हैं, इसी तरह से इस गुफा में पहले भी लाए गए थे और लाने के बाद उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। तो वो मुझसे सपने में कहते हैं कि तू उठ, अपना वक्त जाया मत कर और यहाँ से भाग जा, वरना तू भी हमारी तरह गुलाम हो जाएगा। तो इसी बेस पे सारी कविता आधारित है। तो चलिए देखते हैं इस कविता को लाइन बाय लाइन, कविता क्या कहना चाहती है। Oh, what can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake, and no birds sing. तो कवि उससे पूछते हैं कि अरे ओ शूरवीर, thee मतलब तू, अरे ail का मतलब बीमार जैसा, तो तुझे ऐसी क्या चीज़ है जो तुझे खाई जा रही है, जो तुझे बीमार कर रही है? Alone and palely loitering, तू अकेला है और तेरा जो चेहरा है वो सर्द है और तू ऐसे ही घूम रहा है आलतू फालतू में, मतलब कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा कि तू कर क्या रहा है। द सेज, सेज होता है एक आपको पानी में लगा हुआ एक घास होता है, तो कहता है वो भी जो है, मतलब जा चुका है, मतलब वो भी मुरझा के खत्म हो चुका है इस झील से, और कोई चिड़िया भी यहाँ पे चहचहा नहीं रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही वीरान जगह है, बहुत ही सर्द जगह है, वो हरियाली नाम की कोई जगह नहीं है और जहाँ तक हो सकता है कोई भी वहाँ होना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो घास है, जो कि पानी में और जो कीचड़ वगैरह में जो घास लगती है, वो भी मुरझा के जा चुकी है, जीवन का कोई लक्षण नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही। तो ऐसे में तू अपने बीमार जैसे चेहरे को लेके, बिना किसी उद्देश्य को लेके ऐसे क्यों भटक रहा है? Oh, what can ail thee, knight at arms, so haggard and so woe begone? The squirrel's granary is full and the harvest's done. क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है, तुझे बीमार कर रही है, तुझे खाई जा रही है ओ शूरवीर? So haggard, haggard हो गया जंगली, and so woe begone, दुख का मारा हुआ, मतलब तू ऐसा लगता है जंगली जैसा होता है कि पता नहीं होता ना आदमी को उसने क्या पहन रखा है, वो किस तरह का बर्ताव कर रहा है, उसे किसी भी तरह की मालूमात नहीं होती अपने बारे में, वो खोया होता है बहुत ही और परेशान लगता है। वो बी गॉन, द स्क्वर्वल्स ग्रेनरी इज फुल, जो गिलहरी है जो अन्न का भंडार करती है वो भी अपना पूरा कर चुकी है, और एंड द हार्वेस्ट डन, और जो फसल काटनी होती थी वो कट के जा चुकी है। तो कहने का मतलब फिर यहाँ पे कवि ने दिखाने की कोशिश की है कि किसी का कोई उद्देश्य नहीं है वहाँ पे, कोई वहाँ पे आना नहीं चाहता। जो गिलहरियाँ हैं वो भी अपना अन्न भंडार करके, वो अपने
अन्न भंडार में जो है आराम कर रही हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है बाहर आने की, और वो आना भी नहीं चाहती क्योंकि ये इतना उजाड़ वीरान है और जो फसल थी कट कटा के वो भी जा चुकी है। तो ऐसी जगह पे तुम क्या कर रहे हो? आई सी ए लिली ऑन thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withereth too. कवि यहाँ जो नाइट का माथा है उसकी तुलना एक लिली से करते हैं, जो वाइट लिली होती है, तो वाइट लिली में लालीपन कुछ नहीं होता। तो कहते हैं जो तेरा माथा है वो एक लिली की तरह है, मतलब वहाँ पे खून का कोई कतरा नज़र नहीं आता, बहुत ही मतलब सफ़ेद है, सर्द है, और उसके साथ ही मुझे वहाँ दिखाई देती हैं पीड़ा और बुखार की जो नमी होती है, मतलब उसका जो माथा है उसमें ऐसा लगता है जैसे उसे बुखार हो, बुखार के लक्षण उसमें, वहाँ पे नमी जो है वो बुखार की नमी की तरह है वहाँ पे। और नाइट का जो गाल है उसकी तुलना कवि ने एक गुलाब से की है। तो कहते हैं कि जो तेरे गाल हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी मुरझा रहे हैं, वो मुरझा के जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है ये सब कुछ। तो यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि तेरे जो गाल हैं कभी उसमें लाली हुआ करती थी, कभी वो बहुत अच्छे लगते थे, वो भी ऐसा लगता है उसमें प्राण नहीं है और उनकी लालीपन जा रही है। तो ओवरऑल कवि ने दिखाने की कोशिश की कि उसका चेहरा बहुत ही मलिन है, उसका चेहरा बहुत ही सर्द है, उसके चेहरे में जीवन की झलक नहीं है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि नाइट के साथ क्या हुआ था। आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, फुल ब्यूटीफुल अ फेयरिश चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। इन द मीट्स मतलब घास का मैदान। तो नाइट कहता है कि मुझे घास के मैदान पे एक बहुत ही सुंदर युवती मिली जो पूरी तरह से सुंदर थी, ऐसे जैसे किसी परी का बच्चा हो। उसके बाल लंबे थे, उसके पैर नाजुक थे, मतलब जो वो चलती थी तो लगता था कि बहुत ही डेलिकेट है, और उसकी आँखें जो थी बहुत ही एक्साइटिंग थी, इमोशन से भरी हुई थी। तो यहाँ पे नाइट उस युवती के रूप की चर्चा कर रहा है और हमें ये पता चलता है कि वो कितना प्रभावित हो गया था उसके रूप से। तो नाइट आगे कहता है कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंस जोन, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मौन। तो मैंने उसके सर के लिए एक फूलों का ताज बनाया, मतलब जो माला बनाई, और मैंने उसके लिए कंगन भी बनाया फूलों की, और मैंने फूलों से वो जो एरिया है वो उसका उसके जो आसपास का एरिया था उसे मैंने सजा दिया, उसे महका दिया मैंने। और उसके बाद उसने मुझे बहुत प्यार से देखा और बहुत ही प्यारी आवाज़ में अपने प्यार का इजहार किया। और यहाँ पे नाइट को लगता है कि जैसे वो आकर्षित हो गया था उस युवती के रूप रंग में, शायद वो भी उसे प्यार करने लगी थी क्योंकि उसने उसकी तरफ जो है वो बहुत प्यार से देखती है और बहुत ही जो है उसे आकर्षित करने वाली आवाज़ में उसे बुलाती है। फिर नाइट आगे कहता है, सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सो ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग अ फेयरवेज सॉन्ग। उसके बाद मैंने उसे अपने दौड़ते हुए घोड़े पे, स्टीड का मतलब हो गया घोड़ा, पे बिठा लिया, और उसके बाद मैंने उस दिन कुछ नहीं देखा, मतलब वो इतना आकर्षित हो चुका था वो नाइट उस युवती के प्रति कि उसे उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आया, उसने उसके अलावा और कुछ नहीं देखा, ना ही कोई चीज़ को उसने याद किया। और वो युवती घोड़े के एक तरफ बैठी हुई, झुककर बैठी हुई थी एक तरफ, और उसने फिर एक परियों का गाना गाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो नाइट है इतना आकर्षित हो चुका है उस युवती के प्रति कि उसे और कुछ भी सूझ नहीं रहा है, वो बस उसी के ध्यान में डूबा हुआ है। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड माना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू। और जैसे वो जा रहे हैं तो इस बार जो वो युवती है वो भी नाइट के लिए कुछ करती है। तो वो नाइट कहता है कि उसने मुझे बहुत ही स्वाद वाले जो जड़े होती हैं, मतलब कई चीज़ें होती हैं जंगलों में जो आप खा सकते हैं,
तो उसने कहा कि उसने चुन चुन के जिसके स्वाद बहुत अच्छे थे, ऐसी जड़ें खोज के, ऐसी चीज़ें खोज के उसने मुझे दी, उनका स्वाद जो था हनी वाइल्ड, ऐसा लगता था जैसे जंगली मैंने शहद चख लिया हो। और माना ड्यू, माना ड्यू का मतलब हो गया, माना एक बाइबल में लिखी हुई एक खाने की चीज़ का नाम होता है जो मतलब देवताओं द्वारा दी गई थी। और एक बहुत ही अजीब सी या जो अजनबी सी जवान में उसने कहा, लैंग्वेज में उसने कहा कि मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ना तो सिर्फ वो युवती बहुत ही सुंदर है, वो थोड़ी स्ट्रेंज भी है क्योंकि वो एक अलग ही जवान में वो कह रही है कुछ इससे, लेकिन वो समझ जाता है कि वो कह रही है मैं तुझसे प्यार करती हूँ। और वो उसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, खाने की चीज़ें उसके लिए लेके आती है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मतलब वो इतनी अच्छी होती हैं, उसने ऐसी चीज़ें कभी खाई नहीं होती हैं। तो आपने देखा कि कैसे उस युवती का जादू उसके ऊपर पूरी तरह से सर चढ़ के बोलने लग गया है, उसे और कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा, वो उसके रूप रंग में खोया, उस वो जो खाने की चीज़ वो लेके आई है उससे वो इंटॉक्सिकेटेड हो रहा है एक किस्म से, वो उसकी हालत ऐसी हो रही है जैसे वो शराबी की तरह है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो खुश है लेकिन वो डल है, जैसे उसके दिमाग पे उस युवती ने पूरी तरह से अपना काबू कर लिया है। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सो एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसेस फो। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, वो युवती नाइट को लेके एक गुफा में जाती है, एल्व्स की जो गुफा होती है, एल्व्स कहते हैं उन कैरेक्टर्स को, ये भी आपको परी कथाओं के जो पात्र होते हैं, एक परी कथाएं जो होती हैं उन्हीं के एक पात्र हैं, मानव जैसे दिखते हैं ये। और आप में से जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी देखी हो उसमें इनका भी पात्र, इनका भी कैरेक्टर था। तो कहती है वो एल्फिन की गुफा में ले गए, तो उस गुफा, वो बहुत ही आरामदायक गुफा थी क्योंकि उसमें एल्व्स रहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी गुफा थी, आरामदायक गुफा थी, कोजी गुफा थी। तो वहाँ मुझे ले गई, उसके बाद उसने रोना शुरू किया और जो वो रोना था वो बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ था। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसकी जो वाइल्ड आंखें थीं, जो उसमें इमोशन से भरी हुई आंखें थीं, उसको मैंने अपनी किसों से बंद कर दिया, अपने चुंबनों से मैंने उस उन आंखों को बंद कर दिया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो गुफा में जाते हैं, जो एल्स की गुफा होती है, वो उसे वहाँ लेके जाती है और वहाँ लेके जाने के बाद वो रोना शुरू कर देती है कि शायद तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। और जो नाइट होता है उसे आश्वासन देने के लिए, उसे दिलासा देने के लिए उसकी दोनों आंखों पर दो दो चुंबन लेता है, ये कहने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं तेरे साथ ही रहूँगा या मैं तेरे साथ ही हूँ। एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड, आह वो बिटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रैम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। तो नाइट आगे कहता है कि उसके बाद उसने मुझे सुला दिया और वहाँ पे फिर मैंने एक बहुत ही भयानक डरावना सपना देखा, और वो सपना जब से मैंने देखा है वो मेरा आखिरी सपना था। कहने का मतलब है उसके बाद मैं सो नहीं सका हूँ, और वो जो सपना था वो मैंने उस ठंडी चोटी पे देखा था। तो यहाँ से हमें थोड़ा समझ आने लगता है कि वो उसकी हालत ऐसी क्यों है कि वो सपना जब से उसने देखा था वो सो नहीं पाया है, उसका वो लास्ट सपना था और वो उसकी लास्ट नींद थी, इसलिए उसका जो चेहरा है वो थोड़ा जर्द दिखता है, उसमें लाली नहीं दिखती, वो भटक रहा है, वो ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं है वो कहाँ जाने वाला है। तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वो सो नहीं पाया काफ़ी दिनों से। और सपने के उसी कॉन्टेक्स्ट में वापस जाते हुए नाइट कहता है कि आई सो पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल, दे क्राइड ला बेल दाम सो मर्सी दी हाथ इन थ्रोल। मैंने निर्जीव जर्द राजाओं को देखा, उसमें राजकुमारियां भी थीं, जर्द वॉरियर भी थे, मतलब जो योद्धा थे वो भी थे, और ऐसा लगता था कि जैसे मृत्यु की जर्दता ने उन्हें जकड़ रखा हो, मतलब मौत ने उन्हें छू लिया हो। और वो सारे चिल्लाए कि लाबेल दाम सो मर्सी, मतलब ये जो सुंदर औरत है इसमें दया नाम की चीज़ नहीं है, और दी हार्थ इन थ्रोल,
इसने सबको गुलाम बनाया हुआ है। यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि जिस तरह नाइट को यहाँ लाया गया था, इसी तरह दूसरे राजकुमार, राजकुमारी, राजाओं को भी यहाँ लाया गया था इसी तरह से आकर्षित करके, अपने जाल में फंसा के। और वो उसके सपने में आते हैं, नाइट के सपने में आते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो औरत है इसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसने सभी को गुलाम बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम भी तेरी तरह ही यहाँ इसी तरह लाए गए थे। I saw their starved lips in the gloam, with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hills' side. तो सपने का जो एक्सपीरियंस था उसको आगे कंटिन्यू करते हुए नाइट कहता है कि मैंने जो लोग देखे उसमें, उनके जो होंठ थे वो बहुत खुश्क थे, उसमें जान नहीं थी, और उन्हें मैंने अंधेरों में देखा और वो मुझे वार्निंग करने के लिए बहुत ही बड़े चौड़े हो गए थे, मतलब वो जो लिप्स थे उनके काफ़ी बड़े हो गए थे क्योंकि वो मुझे वार्न करना चाहते थे। वो मतलब इतने आतुर थे, वो इतने ईगर थे मुझे बताने के लिए कि तू यहाँ से चला जा, यहाँ मत रुक, क्योंकि रुकेगा तो तेरी जो गति है वो हमारी तरह हो जाएगी। और इसके बाद मेरी नींद खुल गई और मैंने अपने आप को इस ठंडी पहाड़ की चोटी के साइड पर पाया। कविता की अंतिम लाइनों में नाइट कहता है कि एंड दिस इज व्हाई आई सोजर्न हियर अलोन एंड पेली लोइटरिंग दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। तो मेरे साथ जो हादसा हुआ, जो भयानक दौर से मैं गुजरा हूँ, जैसे मुझे धोखा दिया गया प्रेम में, तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ पाते हो कि मैं कैसे यहाँ पे अनजान आवारा सा घूम रहा हूँ और ऐसे मौसम में, ऐसी निर्जीव जगह पे जहाँ पे कि जो घास है वो भी मुरझा के झील से जा चुकी है और कोई चिड़िया यहाँ पे चहचहा नहीं रही। तो दोस्तों, ये था इस कविता का हिंदी भावार्थ रूपांतर। होपफुली आपको पसंद आया हो। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।